हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिल्म वॉर के डायरेक्टर का स्टेटमेंट के बारे में। आपको पता है सिद्धार्थ आनंद ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भाई अच्छे अच्छों की मतलब पसीने छूट गई है कि भाई ये बंदा ऐसा भी बोल सकता है, एंड लोग पूरे पागल हो रहे हैं, गुस्से में पूरा लाइक आग बबूला हो रहे हैं। तो भाई क्या बोले आखिरकार फिल्म वॉर के डायरेक्टर, फाइटर के डायरेक्टर बोल लो आप, पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जी, इन्होंने क्या बोल दिया आखिरकार कि पूरी पब्लिक इतनी भड़क रही है। तो भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि फाइटर इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड ऑल, क्या है उसका रीज़न एंड ऑल, बिकॉज़ ये लोग ना अभी भी ना इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, आपको पता है, एंड ऋतिक रोशन भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो सिद्धार्थ आनंद को पूछा गया जब कि क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है, तो एक ऐसा बचकानी और घटिया बात उन्होंने बोला कि इंडिया के 90% लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है, तो उनको फाइटर कहाँ से पसंद आएगी। तो भाई जो लोग तुम्हारे टिकट खरीदते हैं, जो लोग तुम्हारे पिक्चर को हिट बनाते हैं, जो लोग यार तुम आज जो भी हो इस जनता के वजह से हो, एंड जनता इस जनार्दन, आपको पता है। एंड द थिंग इज़ दैट ये जनता को ही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम में से 90% लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल की ही नहीं है, तो तुम क्या जानोगे मेरी मूवी फाइटर के बारे में। तो भाई जो फ्लाइट में जाता है ना इधर उधर, वो आपकी हिंदी पिक्चर देखता भी नहीं है। पहली बात तो रेयरली अगर उसको कोई हिंदी पिक्चर देखना होता होगा तो देखता होगा। एंड टू बी फ्रैंक एक बात बोलूँ क्या, फाइटर मूवी, पठान मूवी एंड जितनी भी मूवीज़ हैं, इन सभी मूवीज़ में सिद्धार्थ आनंद ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, ये मैं मानता हूँ। बट द थिंग इज़ दैट ईगो, एरोगेंस, इसे कोई नहीं बचा है। भाई आपको मैं एग्जांपल देता हूँ गोविंदा जी का। गोविंदा जी का भी ईगो का इशू था, आपको पता है, जो बंदा टॉप पे था। आजकल के एक्टर्स भाई जो आज इन लोग जो आ रहे हैं सामने में, पता है गोविंदा के हटने के बाद ये लोग आए, ये सलमान, शाहरुख सब लोग जो हैं गोविंदा के हटने के बाद आए, आपको पता है। बट द थिंग इज़ दैट ऑल्सो, वो क्यों आए वो आप सोचिए, बिकॉज ऑफ गोविंदाज ईगो, गोविंदाज एरोगेंस एंड इशू। सो वही चीज़ सिद्धार्थ आनंद को भी समझना है कि पब्लिक अगर आपको चढ़ा के ऊपर ले जा सकती है ना, मतलब हवा में बैठा सकती है, तो पब्लिक नीचे गिरा भी सकती है। तो कभी भी ना भारत के लोगों के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोचिए कि आप देशभक्ति के नाम पे मूवी बेच रहे हो, ठीक है, आप फाइटर को देशभक्ति के ऊपर बता रहे हो एंड मूवी बता रहे हो, एंड देश के लोगों को गाली दे रहे हो, तो आपको शर्म आना चाहिए। पठान मूवी में आपने जो किया था वो तो सबको पता है, इन लोगों ने जानबूझ के वो भगवा वाला जो चीज़ था उसको उछाला, बिकॉज इनका असलियत थिएटर में सबको दिख जाता तो इशू हो जाता, क्योंकि इन लोगों ने थिएटर में क्या किया, रॉक एजेंट जिम को गद्दार दिखाया एंड पाकिस्तानी दीपिका को अच्छा दिखाया। इसी ने तो भाई इनको वॉर टू भी इनसे छिन गई है। अब वॉर टू इनको ये थोड़ी कर रहे हैं, वॉर टू कर रहा है अपना अयान मुखर्जी, एंड इनको टाइगर वर्सेस पठान दिया था वो भी नहीं होने वाला, एंड शाहरुख खान भी इनके साथ पिक्चर नहीं कर रहा है, जो आने वाली थी ना सुजॉय घोष के साथ ही, उसमें प्रोडक्शन थे इसकी मारफ्लिक्स, वो नहीं आने वाली, और मारफ्लिक्स जो इतना अपना आने 6 मूवी लाने वाला जो सुनने में आ रहा है, उसका भी ऐसे नैया डबाएगी भाई ऑडियंस। एंड आप जो ऐसे कमेंट्स दे रहे हो ना, देशभक्ति की मूवी बनाते हो, देश के लोगों को गाली देते हो कि भाई तुम में से 90% लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल ही नहीं किया, तो भाई वही चीज़ है कि अगर आप देश के लोगों को देशभक्ति बेच रहे हो, देश को गाली देके, तो नहीं बिकने वाली। तो अभी जो अंडर परफॉर्म हो रहा है ना फाइटर, जो भी आपका कलेक्शन आया 250-300 करोड़, ऋतिक रोशन के वजह से ही इतनी कलेक्शन आई है आपकी, क्योंकि आप जैसे स्टेटमेंट दे रहे हो और आपने जो मूवी का प्रमोशन एंड ऑल इतना बकवास तरीके से किया है, वो सिर्फ ऋतिक रोशन का स्टारडम था जो आज ये पिक्चर इतनी चली है, वरना ये पिक्चर चलती भी नहीं। टू बी फ्रैंक, अगर आप किसी नया डायरेक्टर एक्टर के साथ बना लो पिक्चर, आपकी पिक्चर नहीं चलने वाली। शाहरुख खान को उठाया आपने, ऋतिक रोशन को उठाया आपने, इसलिए तो आपकी पिक्चर चली, वरना आपकी पिक्चर थोड़ी चलती भाई, क्योंकि आपकी कोई आपको कोई पहचानता नहीं है। टू बी फ्रैंक, इन दिस इंडस्ट्री 10% लोग पहचानते होंगे, जैसा आपका डायलॉग था ना, 90% लोग फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, 90% लोग आपको जानते नहीं, 10% जो मूवी रिव्यूअर है जिनको पिक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वही जानते हैं आपको। सो दिस वॉज माई रिप्लाई टू यू सिद्धार्थ आनंद, एंड आई एम सेइंग यू वन थिंग, देशभक्ति बेचना चाहते हो और देश को गाली देना चाहते हो तो देशवासी भी चुप नहीं बैठने वाले, समझ गए।